Today, Cabinet met under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi, and in a major decision, it has increased dearness allowance by 5% of central government employees and pensioners. It will benefit nearly 50 lakh central government employees and 65 lakhs, 50 lakh central government employees and 65 lakh central government pensioners. It will entail upon nearly 16,000 crore rupees. And this is the highest in a way, 5% rise in one go. And more importantly, on the eve of Diwali, this will be paid from July 2019, and this will bring cheers to the working classes, because central government is achieving many milestones in various sectors, and it is the contribution of central government employees to all these achievements, and therefore this decision was taken. इसके लिए लगेगा, मुझे लगता है दिवाली का एक अच्छा तोहफा है और वो एक महत्वपूर्ण फैसला था. 16,000 crore rupees. नहीं, अभी कितना है? 15,900 and odd amount. क्या है आपका कंसर्न? एक मिनट में बताता हूँ मैं. वो नहीं, 13 है तो 12 या 13 तो 17, 12 to 17 हो गया. 12% था, अब 17% हुआ है, तो ये अच्छी बढ़ोतरी है और इसका सभी लोग स्वागत करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है. दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय था कश्मीर के विस्थापितों के लिए. आपको पता है कश्मीर में अनेक तरह से विस्थापित आए. 1947 में जैसे पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान और आज का जो बांग्लादेश है वहां से अनेक लोग विस्थापित होके आए. फिर 48 में जब पीओके वो कबालियों का आक्रमण हुआ और वो कश्मीर का भारत में विलय हुआ, तब पीओके से अनेक विस्थापित आए और जम्मू कश्मीर को से. लेकिन उसमें 5,300 फैमिलीज ऐसे थे कि जो जम्मू कश्मीर में नहीं बसे, दूसरे प्रांतों में गए. बाद में थोड़े समय के बाद वो फिर से जम्मू कश्मीर में रहने गए. जो प्रधानमंत्री जी ने 2016 में पैकेज घोषित किया था विस्थापितों को 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का, एक मुश्त एक दफा 5.5 लाख रुपए उनको सहायता राशि देनी थी और रिहैबिलिटेशन के लिए, तो उसमें ये 5,300 परिवार शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उनका वो जम्मू कश्मीर से बाहर प्रदेशों में गए, इसलिए उनके नाम उस लिस्ट में नहीं आए थे. आज एक महत्वपूर्ण फैसले में इन सभी 5,300 डिस्प्लेस परिवारों को भी ये 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ. ये उनके साथ न्याय हुआ है. अनेक साल उनके साथ अन्याय हुआ था, वो न्याय की दरकार में थे और ये न्याय अब आज हुआ है. मुझे विश्वास है कि इसका भी पूरी कश्मीर वैली में स्वागत होगा, कश्मीर और जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन्स में.